हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो स्केल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना नरेशन टॉपिक फिर से शुरू करेंगे। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है हमने सीखा, तो आज के इस वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम इसमें जब सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, सेड टू को हम चेंज करेंगे ordered requested advised, हम order requested and advised में change करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा conjunction क्या आएगा। कंजक्शन, तो कंजक्शन के रूप में इसमें हम टू का यूज करते हैं, कंजक्शन के रूप में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इंपरेटिव सेंटेंस में, जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच, सॉरी द डायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस of imperative sentence does not change, it means कि imperative sentence में direct speech में का जो tense होता है reported speech का, वो जब हम indirect speech में बदलते हैं तो वो change नहीं होता है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है, रवि सेड टू मी, ब्रिंग वाटर। रवि सेट टू मी ब्रिंग वाटर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको सेट टू को देख लेना है कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं ब्रिंग वाटर, तो वो वाटर क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है वाटर लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, रवि ऑर्डर्ड मी, इतना हो गया। नेक्स्ट हमको अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करना है, कंजक्शन के रूप में टू का यूज करना है, मी टू। अब हम जैसा कि जानते हैं इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, तो क्या कर देंगे हम, रवि ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, आई said to
him. I said to him, please tease me. I said to him, please tease me. अब हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या करेंगे, आई सेट टू को हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं प्लीज लगा हुआ है, प्लीज लगाओ, इट मीन्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है. आई रिक्वेस्टेड हिम, देन वी हैव टू पुट टू एज अ कंजक्शन टू, एंड प्लीज को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव मेंशनड हियर रिक्वेस्टेड एट द प्लेस ऑफ प्लीज. देन टेंस में चेंजेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे टू टीच. अब यहाँ पर मी है जो कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन हम जानते हैं किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मी होता है, मी होगा, ये भी ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. यू सेड टू योर स्टूडेंट्स, सॉरी यहां पर स्पेस थोड़ा कम है, यू सेड टू योर स्टूडेंट्स लव योर कंट्री, लव योर कंट्री. तो अब हमें इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यू सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे एडवाइस योर स्टूडेंट, यू एडवाइस योर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमको इन्वर्टेड कामा को रिमूव करने के लिए टू लव योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, हम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन दियर, लव दियर कंट्री. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू सेड टू हिम लर्न इंग्लिश, यू सेड टू हिम लर्न इंग्लिश. ऐसे केस में जब आपको इसको ट्रांसलेट करेंगे, सॉरी जब आप इसको चेंज करेंगे, यू सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है. जब आप एडवाइस में या रिक्वेस्ट में कंफ्यूज हो जाएं, एडवाइस में या सजेशन में कंफ्यूज हो जाएं, तब आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप इन दोनों के स्थान पर आस्क्ड का यूज कर सकते हैं. किसका, यू आस्क हिम, यू आस्क्ड हिम टू, यू आस्क्ड हिम टू लर्न इंग्लिश. यू आस्क्ड हिम टू लर्न इंग्लिश. तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो जाता है. अगर इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं.
तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए, जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी डाउट्स हो, आप हमसे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।